चीजें मैं छोटी बता रहा हूं, लेकिन मैं धरती का इंसान हूं, इसलिए बदलाव को बड़ी बारीकी से देख पाता हूं। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इसके लिए हमने बल दिया है। दूसरा, हमारे देश में एक सोच बनाई दी गई कि भाई जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है, जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है। ये मैं समझता हूं कि देशवासियों का अपमान है। हमारा देश ऐसा नहीं है जी। एक बार लाल किले से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते हैं, और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। हमने रेलवे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप रेलवे यात्रा में कुछ भी पाने के हकदार हैं, सब्सिडी पाने के हकदार हैं, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छा होगा। छोटा सा वाक्य उस रिजर्वेशन फॉर्म में लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे देश के 50 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन ने सब्सिडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकट से ट्रैवलिंग किया। देश के अंदर ये जो ताकत है, हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, हम इसको बंद देना चाहते हैं, नागरिक पे भरोसा करना चाहते हैं। हम नागरिक के ये जो क्योंकि सभी देश बना बनाना चाहते नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं। और इसलिए हमने हमारी सारी योजनाओं में नागरिकों की शक्ति है, उस शक्ति को हमारे विकास का आधार मानने का इस पत्र में हमारे कार्यक्रमों की रचना के केंद्र बिंदु में दिखेगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत हुई है, शासकीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सफलता पाई है। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है ट्रांसपेरेंसी में। जय जनधन, आधार, मोबाइल वाला हमारा जैम योजना हो या ई मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो, बहुत बड़ा सफलता मिली है। इस चीजों को हम नीचे तक परकोलेट करना चाहते हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसान के लिए पेंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा आज यहां पर हमारे साथियों ने की है, लेकिन मैंने पहले ही कहा सभी क्षेत्रों में जब हम बात कर रहे हैं तब यह हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है, यह हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है, यह हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में बार बार सुनते थे 21वीं सदी आ रही है, लेकिन देश को उसके लिए तैयार करने में हमने मौका गंवाया।